राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को शशत नमन। दोस्तों, नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक रहेंगी और 15 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। बहुत सारे शुभ कार्य नवरात्रि में किए जाते हैं। किसी चीज़ का मुहूर्त हो, बच्चों की सगाई हो, रोकना हो, बहुत सारे शुभ कार्य इसमें किए जाते हैं। महालक्ष्मी की विशेष कृपा नवरात्रि में बनी रहती है। तो नवरात्रि के दिन वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने घर पर लाते हैं तो माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनती है। आपके घर में धन धान्य की पूर्ति रहती है, कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, वीडियो पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, तुलसी का पौधा। वैसे तो ज़्यादातर हिंदू परिवारों के घर में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के दिनों में इसे घर पर जरूर लाएं। तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करें, इसके समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, धन दौलत की दोस्तों कभी भी कमी नहीं होती है। दूसरा है दोस्तों, केले का पौधा। केले का पौधा लाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होगी। किसी भी शुभ मुहूर्त में इस पौधे को घर ला सकते हैं। इसे गमले में लगाकर 9 दिन तक इसमें जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल में थोड़ा दूध मिलाकर केले के पौधे में चढ़ाने से धन की कमी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा है दोस्तों, हार श्रृंगार का पौधा। हार श्रृंगार का पौधा वैसे तो बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि के दिनों में यदि आप हर श्रृंगार का पौधा लाते हैं तो इससे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चौथा है दोस्तों, बरगद का पत्ता। नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद उस पर हल्दी और देसी घी से स्वास्तिक बनाएं। इस पत्ते को पूजा के स्थान पर रख दें। 9 दिन तक धूप दिखाएं, पूजा करें। ऐसा करने से दोस्तों हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। लाल कपड़े में लपेट कर आप इसे साल भर तक पूजा के स्थान पर रखने से आपके घर में कभी भी धन की कमी दोस्तों नहीं होगी। पांचवी है दोस्तों, धतूरे की जड़। भगवान शिव का अति प्रिय धतूरे का प्रयोग मां काली की पूजा में भी होता है। नवरात्रि के दिनों में आप शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर पर ला सकते हैं। इसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें। माँ काली के मंत्रों का जाप करते हुए इसका पूजन करें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। छठी चीज है दोस्तों, आपकी शंख पुष्पी की जड़। नवरात्रि के दिनों में शंख पुष्पी की जड़ घर ले आएं। इसे चांदी के डिब्बे में रखकर उस स्थान पर रखना है जहां आप रुपया पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं दोस्तों दूर हो जाएंगी। आपके घर में धन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, ये वो 6 चीज़ें हैं। अगर आप अपने घर पर नवरात्रि के दिनों में इनको लाते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय माता दी, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा दोस्तों, लिखिएगा जरूर। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को शशत नमन।